कहाँ गए? क्या ढूंढ रही हो? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लग तो रहा है कुछ ढूंढ रही हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बात सुनो, हम कल अस्पताल जाएंगे तुम्हारी अम्मी को मिलने, और फिर उसके बाद कोई जगह ढूंढेंगे रहने के लिए। हम हॉस्पिटल जा सकते हैं? मैं मिल सकूंगी उनसे? तो हाँ क्यों नहीं, बहुत नाराज होंगी मुझसे। जाहिर बात है उनको अभी असलियत थोड़ी पता है। हम जाएंगे, उनको सारी बात समझाएंगे, फिर समझ जाएंगी वो। वो ठीक तो होंगी ना? हाँ ठीक होंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसी ने कुछ बताया है? मेरे को उनका तो नहीं पता, जो मेरे को ऊपर वाले का पता है, बहुत मेहरबान है वो। तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पे। एहसान? तुम्हारे को ये सब एहसान लग रहा है? तो कुछ नहीं, एहसान से बढ़कर है। बल्कि अभी मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मेरी जगह कोई और होता तब भी तुम्हें ये सब एहसान लगता? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, सो जाओ। डैड, डैडी क्या मजाक लगा रखा है इससे? क्या हुआ क्या हुआ? आप मुझे कल कह रहे थे ना ये आपकी बेटियों की तरह पूछे ऐसे, ये मैनर्स है इसके, मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। तंग आ गई हूं मैं इसको अंडरस्टैंड करते करते। मुझसे गलती हो गई है शादी करके। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं बच्ची नहीं हूं ताया जान, मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। हर दफा मैंने फरदीन को सपोर्ट किया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे 400 लिया जाए। मैं कह रही हूं ना, गलती मेरी है। हमारी शादी वाले दिन जब ये गाड़ी से उतर के अजमिया के पीछे गया था, मुझे तभी मना कर देना चाहिए था शादी से। हाँ तो कर देती मना, क्यों नहीं किया तुमने मना उस दिन? फरदीन, अब मुझे क्या कह रही है? रात भर तो उसको समझा, उसके भेजे में बात नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे लगता है यू आर ऑब्सेस्ड विद हर। तमीज से बात करो। तुम तमीज से बात करो, मैं अजमिया नहीं हूँ। फरा फरा बेटा, मैंने इसको बुलाया था बात करने के लिए, इसका कसूर नहीं है। कसूर जिसका भी है ताया जान, मैं इसकी कजन नहीं हूँ, बीवी हूँ और इस घर की बहू हूँ। और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद इस घर में हर वक्त अजमिया 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 हो। अरे अजमिया अब इसकी लाइफ में नहीं है। आप क्या समझा रहे थे? मैं रात भर से इसको समझा रही, समझ में नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारे एटीट्यूड से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में अजमिया नहीं है। जब मैंने कह दिया तो मान लो कि वो नहीं है, पीछे मत पड़ो। अच्छा अगर ऐसी बात है तो दिखाओ मुझे अपना फोन, दिखाओ। फोन क्यों दिखाओ? क्योंकि मुझे पता है कि अजमिया के पिक्चर्स हैं इसके फोन में। शो मी। नहीं है ना तुम्हारी जिंदगी में अजमिया? तो दिखा दो मुझे फोन। मैं फोन नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, अलग होने अलग हो जाओ, जाने यहां से चली जाओ, शक करिए मुझ पे। दिखा दो बेटा, इसका शक खत्म हो जाएगा ना। मैं अपना फोन नहीं दिखाऊंगा। अगर आज मैंने इसको सच्चाई के सबूत देना शुरू कर दिया ना, तो ये सारी जिंदगी मुझसे सबूत मांगती रहेगी, और मैं पागलों की तरह उसको सबूत पे सबूत देता रहूं। मैं इस विशेष शक्ल में नहीं पढ़ूंगा। She's gone mad, पागल हो गई है। अच्छा सुनो, मेरी